गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल में। मैं विवेक मिश्रा आप सभी लोगों को भाषा शिक्षण विधियों को जो क्रम से वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं, तो संस्कृत के पेडागॉजी सेक्शन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कंटेंट वाइज और उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज पर हम लोग आएंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इस टेंशन में होंगे कि गद्यांश और पद्यांश कब करवाया जाएगा, तो गद्यांश और पद्यांश के लिए बिल्कुल चिंतित मत रहिए। कल या परसों से ही गद्यांश और पद्यांश को किस तरह करना है, और जो लोग पहले सीटेट पास कर चुके हैं अगर वो लोग भी साथ में वीडियोस को देख रहे हों तो वो लोग बताएंगे कि गद्यांश और पद्यांश में उन लोगों ने कितने नंबर पाए थे और किस तरह से सॉल्यूशन निकाला था। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, गद्यांश और पद्यांश को करवाएंगे और उसमें बिल्कुल, चाहे आपको संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता होगा, आप आंसर निकालना सीख जाएंगे, बिल्कुल ही सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाएंगे। जो समझने का प्रयास करेंगे वो समझेंगे भी, जो केवल आंसर निकालना चाहेंगे केवल आंसर निकालेंगे। तो अभी हम लोग भाषा शिक्षण विधियों को पढ़ रहे थे कि भाषा शिक्षण में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संस्कृत भाषा जो कि प्राचीनतम भाषा है, जो हमारे वैदिक काल से हमारे विचारों के आदान प्रदान के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग लगातार चलता रहा, तो कौन कौन से मेथड प्राचीन विधियों में प्रयोग किए जाते थे। इनमें से हमने आप लोगों को बताया था कि प्राचीन मेथड में पाठशाला विधि या गुरुकुल विधि के नाम से जाना जाता है, और मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, पारायण विधि, इन सब पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। और बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो रहे, ये देखने को मिल रहा है कि तेजी से लोग वीडियो से जुड़ भी रहे, उसका लाभ भी उठा रहे। तो आज हम इन पे चर्चा न करके इससे आगे चर्चा शुरू करते हैं सीधे। तो हम लोगों ने इतनी विधियों पर चर्चा कर लिया था और इनको समझ लिया था, अब हमें भाषण विधि, व्याख्या विधि और व्याकरण विधि, इन तीन विधियों पर चर्चा करना है जो पाठशाला विधि का प्रकार है। कौन कौन से हैं? भाषण विधि, व्याख्या विधि और व्याकरण विधि। देखिए, कोई भी विधि पूछी जाएगी तो आपसे उसका उद्देश्य पूछा जाएगा, और हमने बताया था कि हम प्रश्नों को पूछे जाने का टाइप भी बताएंगे आप लोगों को। तो अब देखिए, पूरा का पूरा सिस्टम धीरे धीरे करके शुरू कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भाषण विधि से अध्यापन का उद्देश्य क्या है, अध्यापन का उद्देश्य क्या है, ये तो हमने हिंदी में लिखा, लेकिन आप जानते हैं कि प्रश्न संस्कृत में आएगा, तो आपसे संस्कृत में क्या क्वेश्चन करेगा कि भाषण विधि से या भाषण शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण विधि कह उद्देश्य है, भाषा शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या होता है। और भी प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है कि उद्देश्य क्या है, या ऐसा पूछ सकता है कि इसका मुख्य सार क्या है, ऐसा पूछ सकता है कि मुख्य लक्ष्य क्या है, इन्हीं शब्दों को घुमा फिरा के पूछेगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि कक्षा में कोई भी शिक्षक आएगा तो भाषण क्यों देगा? भाषण की बात तभी आती है जब किसी जटिल विषय को हम सरल रूप में विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। जब वनडे एग्जाम के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो जो हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम तो कुछ न कुछ मात्रा में लेक्चर दिया करते हैं, और बहुत से स्टूडेंट ये भी जानते हैं कि हमारे लेक्चर से ही लगभग 30 में 30 जितने भी रहते हैं अभी तक क्वेश्चन आंसर आपको मिल ही जाते हैं। हालांकि हम लेखन का प्रयोग आपके ही संतुष्टि और उद्देश्य के लिए करते हैं, नहीं तो मौखिक व्याख्यान आपके लिए पर्याप्त है। तो भाषण का उद्देश्य क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो भाषण का उद्देश्य है विस्तृत ज्ञान। भाषण का उद्देश्य क्या होता है भाई? विस्तृत ज्ञान। जब भी किसी विषय वस्तु पर हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी, उस जटिल विषय को सरलतम रूप में एक एक अंश पर चर्चा करनी होगी, सब कुछ समझाना होगा, तो शिक्षक के द्वारा भाषण या वक्तव्य का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब ये ध्यान देने योग्य बात है
कि ये पहली से पांचवीं तक के लिए है या जूनियर में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतने समझदार आप हैं कि यदि भाषण या वक्तव्य की मात्रा एक निश्चित मात्रा से अधिक प्राथमिक के बच्चों को दिया जाएगा तो वह नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भाषण की एक सीमा तक प्राथमिक में चलनी चाहिए और जूनियर में आप भाषण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। बस भाषण से संक्षिप्त भाषण का प्रयोग प्राथमिक में करें, कुछ विस्तृत भाषण का प्रयोग आगे जूनियर में करें और जैसे जैसे उसका क्लास बढ़ता जाए वैसे वैसे भाषण के समय को बढ़ा सकते हैं। अब प्राइमरी में क्या होता है कि सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, अब जैसे मान लीजिए कि प्रार्थना हो रही है, प्रेयर हो रहा है, अब उसमें प्रिंसिपल साहब आए यानी कि प्रधानाध्यापक आए और उन्होंने वक्तव्य देना शुरू किया। आपके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए वह विद्यार्थी वहां पर नहीं खड़ा है, इस बात को दिमाग में रखें। या क्लासरूम में गए, आप कितने बड़े पीएचडी होल्डर, कितने बड़े ज्ञानवान हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो ध्यान रखें कि छोटे बच्चों के लिए भाषण छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा ज्ञान देने लगेंगे आप छोटे बच्चों को तो उसमें उनकी रुचि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो संक्षिप्त भाषण दें तो उससे क्या लाभ होगा, विस्तृत ज्ञान उनको प्राप्त हो जाएगा। तो एक यहाँ से समस्या दूर हो जाएगी भाषण से। फिर आता है व्याख्या विधि। व्याख्या क्या होता है? व्याख्या मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में एक एक पार्ट का डिटेल वर्णन किया जाए। तो उद्देश्य क्या होगा, व्याख्या क्यों की जाती है, इसका मतलब कुछ जटिल शब्द होंगे। जटिल शब्द होंगे तो क्या होगा, कुछ समस्याएं आएंगी और समस्याएं आएंगी तो शंका उत्पन्न होगी। तो व्याख्या विधि का उद्देश्य बन जाता है शंका का समाधान करना। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत शिक्षण की विधियों में जो प्राचीन विधि या पाठशाला विधि में व्याख्या विधि है, तो व्याख्या विधि का उद्देश्य क्या होता है, और अभी आप आगे देखेंगे कि यही व्याख्या विधि एक बार नवीन विधि में भी दिखाई पड़ेगी। तो व्याख्या विधि का उद्देश्य क्या है भाई, व्याख्या हम कुछ शब्दों का करेंगे, कुछ अर्थों का करेंगे। तो शब्दों अर्थों का करेंगे तो शब्दकोश भी कुछ मात्रा में तैयार हो जाएगा, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। शब्दकोश हमारा द्वितीयक है, प्राइमरी हमारा व्याख्या विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वह है शंका समाधान करना। यानी कि जो भी समस्याएं बच्चों के सामने प्रस्तुत हो जाती हैं उन्हीं शब्दों पर हमें व्याख्या करनी होती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों से शिक्षण विधियों से पूछ लिए जाते हैं मुख्य रूप से उद्देश्य। लाभ जब पूछेगा कि व्याख्या विधि के लाभ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि व्याख्या विधि से शब्दकोश तैयार हो जाता है, शब्दकोश से बच्चों के अनेक शब्दों का ज्ञान हो जाता है और अनेक शब्दों के ज्ञान होने से उनके मैं समझिए कि कोश का विस्तार होता है, अलग अलग शब्द जान जाते हैं, अर्थ जान जाते हैं, इससे धीरे धीरे करके व्यावहारिक जीवन में उन्हें बोलचाल में भी फायदा मिलता है। तो व्याख्या विधि। चलिए जो एक अन्य तीसरी विधि बची हुई है वह है व्याकरण विधि। और व्याकरण जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हैं, तो पढ़े हुए लोग तो जानते हैं कि व्याकरण में उन लोगों ने कैसा यूपी टेट में परफॉर्मेंस किया था, कैसा सी टेट में जितने भी थोड़े बहुत व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं उनको हम बताएंगे कि कैसे कैसे आते हैं। और जितने भी सी टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक साधारण सी लेकिन बड़ी आवश्यक बात अभी बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश देखने के बाद जब आप उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो जो धारा में बने हुए हैं कुछ मात्रा में संस्कृत को समझते हैं वे तो कुछ अर्थ प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन जो धारा में नहीं बने हुए हैं गद्यांश और पद्यांश को देखने के बाद उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं कैसे पढ़ेंगे इनको। तो अब या उन्हीं गद्यांश पद्यांश से कभी प्रत्यय पूछ लेता है, कभी उपसर्ग पूछ लेता है, कभी उन्हीं का अर्थ पूछ लेता है, या कभी उसमें समास पूछ लेता है, या कभी उन्हीं शब्दों में संधि पूछ लेता है,
तो आपको लगता है कि आप संस्कृत सीटेट की संस्कृत को केवल पेडागॉजी सेक्शन को पढ़ के ही निपटा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। 15 नंबर या 16 नंबर मान लीजिए आपके यहाँ से बनेंगे, 15-16 नंबर, लेकिन कुछ मात्रा में व्याकरण आपको जानना पड़ेगा, इसलिए व्याकरण की वीडियो पड़े हुए हैं, लगातार उनसे अपडेट होते रहें। कुछ वीडियो पुराने हैं, कुछ नए वीडियो भी पड़े हुए हैं, और सारे वीडियोज़ लगभग आपको मिल जाएंगे। आप उनसे मिलाकर एक कॉम्पैक्ट मॉडल बनाइएगा। पेपर के बारे में अभी तक कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन लगातार पढ़ते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आइए व्याकरण विधि को जानते हैं। जो ही व्याकरण आया, देखिए हमें इतनी बातें यहाँ समझ में आ गई, व्याकरण आते ही इतनी बातें समझ में आ गई। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण को बहुत से लोग जानते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते इति व्याकरणा है। जो विशिष्ट क्रियाओं को उत्पन्न, जिससे विशिष्ट क्रियाएं हो जाती हैं, व्याक्रियन्ते विशिष्ट क्रियाएं उत्पन्न करने वाला, व्युत्पाद्यन्ते विशिष्ट उत्पत्तियां प्रदान करने वाला, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते इति व्याकरण है। तो जहां पर विशिष्ट उत्पत्तियां होती हैं, किसकी? शब्दों की, पदों की, अर्थों की, जहां उत्पत्ति होती है वही व्याकरण है। तो व्याकरण क्या है संक्षेप में कहें, जो कुछ नहीं जानते वे कह लें केवल भाषा के नियम। व्याकरण क्या है? भाषा के नियम। जो केवल पेडागॉजी सेक्शन समझना चाहते हैं वो जाने केवल भाषा के नियम है, और अगर डिटेल में समझना चाहते हैं टेट के लिए भी, अन्य स्थानों पर भी अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते इति व्याकरण है। अर्थात जो व्युत्पत्ति करता है नए नए शब्दों के बारे में, उनकी धातु बताए अर्थात क्रिया बताए, उसमें प्रत्यय बताए, उससे उस पर उपसर्ग बताए, उस शब्द में जितने भी व्याकरण के तौर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें बताए, कहाँ से कैसे बनता है, इसका किस प्रकार से उत्पत्ति होता है, यह व्याकरण है। तो व्याकरण विधि से आशय क्या है? यहाँ पर व्याकरण विधि से आशय है कि प्राचीनतम काल से ही, क्योंकि प्राचीनतम विधि को पढ़ रहे हैं, प्राचीनतम काल से ही व्याकरण को साहित्य के साथ जोड़कर ही पढ़ाया जाता था। और ऐसी भी व्यवस्थाएं देखी गई हैं कि पहले ही व्याकरण का अध्ययन करवा दिया जाता था, कम से कम इतने व्याकरण का अध्ययन करवा दिया जाता था कि जिससे कोई भी विद्यार्थी या बालक उस भाषा को पढ़ सके, उस भाषा को लिख सके, उस भाषा को सुन सके, हो सके तो कुछ मात्रा में उस भाषा को बोल भी सके। तो बोलना तो आज की बात दूर है, बोलने के ही चक्कर में संस्कृत आज बिल्कुल सासुमा बन चुकी है, आप सभी लोग जानते हैं, और नए कलेवर में कौन है ये भी जानते हैं, अंग्रेजी की पूजा कर रहे हैं आप लोग, अपनी मातृभाषा से भी दूर जा रहे हैं। ठीक बात है, लगातार बिल्कुल दिखावटी बने रहिए सब लोग, विदेशी भाषाओं के प्रति आकृष्ट रहिए, एक दिन मूल स्वरूप को खोजेंगे। जैसे आज कोरोना काल में प्राइमरी सेक्टर को खोज रहे हैं कि बस खाने पीने से पेट भर जाए, वैसे ही धीरे धीरे करके जुड़ेंगे अपनों से, आप चिंता न करिए, वो सिस्टम ऐसा है ये प्रकृति का कि हम लोग जिस प्रकृति से खेलेंगे फिर प्रकृति हमारे साथ खेलेंगे। तो इसी प्रकार देखें कि संस्कृत में व्याकरण को पढ़ा देना, पहले पढ़ा देना, व्याकरण के नियमों को बता देना और फिर उसका पाठ करवाना, फिर उसे पढ़ाना, यानी व्याकरणीय नियमों को पहले पढ़ा देना, फिर व्याकरणीय नियमों को पहले पढ़ा देंगे तो किसका ज्ञान हो जाएगा? कुछ शब्द का ज्ञान हो जाएगा, कुछ अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, शब्द और अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तथा शब्दार्थ का ज्ञान हो गया, शब्दार्थ का ज्ञान हो गया तो क्या बढ़ गया? शब्दार्थ के ज्ञान होने के बाद आपके पास बढ़ जाता है एक वाक्य बनाने की क्षमता बढ़ जाती है, और इन्हीं वाक्यों का देखा जाए तो इन्हीं वाक्यों का अनुवाद यहाँ पे शुरू कर दिया, कुछ मात्रा में अनुवाद, यानी कि एक वाक्य दिया हिंदी में या जो भी बोलचाल की क्षेत्रीय भाषा हुई उसमें वाक्य दिया और उस वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करवा दिया। तो अनुवाद करने में व्याकरण के नियमों का प्रयोग होता था, किसका प्रयोग होता था? व्याकरण के नियमों का। तो व्याकरण के नियमों से प्रयोग से उन्हें वाक्य बनाना और वाक्य शुद्धता, इसका ज्ञान हो जाया करता था। इसीलिए जब हम सीटेट में ऑफलाइन आप लोगों को क्लास पढ़ाते हैं तो पहले कम से कम 7-8 क्लास ग्रामर जरूर पढ़ाते हैं,
जानबूझ के पढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रामर अगर नहीं पता होगा बच्चे को तो वह बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। इसीलिए कुछ वीडियोस ग्रामर के पढ़े हुए हैं, इसलिए हम संस्कृत पेडागॉजी को सीधे शुरू कर पाए। अगर कुछ वीडियो व्याकरण के ना पढ़े होते तो हम संस्कृत पेडागॉजी सेक्शन को तत्काल ना शुरू कर पाते। तो व्याकरण को देखने से कुछ ज्ञान आपको बढ़ जाता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना लिखना बोलना समझना आ जाता है। हालांकि ये सब जो है अभी आप सिस्टम से पढ़ेंगे, अधिगम को, अर्जन को, जितनी भी चीज़ें भाषा संबंधी हैं, चाहे वह मूल्यांकन की विधि हो चाहे उपचार की विधि हो, सब पर आएंगे डिटेल में आप लोगों को। पेडागॉजी सेक्शन में जितने भी चैलेंज हैं, चाहे थिंकर्स से हो, चाहे विधियों से हो, चाहे लेखन से हो, चाहे पठन से हो, चाहे श्रवण से हो, किसी भी सेक्शन का जितना समस्या रहेगा, भाषा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको दूर करने का प्रयास करेंगे। लगातार बने रहिएगा। तो व्याकरण विधि को समझ पाए आप लोग, व्याकरण की विधि का उद्देश्य क्या हुआ? तो इस प्रकार से व्याकरण विधि का उद्देश्य हो गया कि शब्दार्थ और शब्दों का ज्ञान करवाना। तो हमारा व्याकरण विधि से सबसे मजबूत क्या पक्ष होगा? शब्दकोश तैयार हो जाना, क्योंकि छोटे छोटे शब्दों को जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी को या किसी भी क्षेत्रीय भाषा को संस्कृत में बदलेंगे तो हमारे शब्दकोश की वृद्धि होगी। शब्दकोश की वृद्धि होगी तभी हम वाक्य रचना कर पाएंगे, और वाक्य रचना करेंगे तो हमें पढ़ना लिखना बोलना समझना आ जाएगा भाई। और पढ़ना लिखना बोलना समझना आ जाएगा इसका मतलब है कि संस्कृत के साथ हमारी रुचि बढ़ जाएगी। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। और क्या समस्या है? संस्कृत कैसे विलुप्त होने लगी? जरा इस पर भी साथ साथ आप लोगों के साथ चर्चा करते रहें, क्योंकि कुछ ज्वलंत मुद्दों पर भी जो है वीडियोज आप लोगों को मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी शुरू करेंगे इस सीरीज को कि आपको ज्वलंत मुद्दों को भी शामिल किया जाए, लेकिन साथ में अभी सीडेट का इम्पोर्टेंट है तो उस पर हम चर्चा करते रहते हैं, बाद में बताते रहेंगे। हालांकि ये चीज़ जान लीजिए कि संस्कृत के धीरे धीरे कम प्रयोग होने में एक सबसे बड़ा कारण रहा इसका व्याकरण के प्रेजेंटेशन का तरीका। व्याकरण ये क्लिष्ट भाषा नहीं है, ये इसके प्रेजेंटेशन का तरीका जो पढ़ाने का प्रयास कर रहा है वो खुद ही मुंह टेढ़ा करके बोल रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। और अगर थोड़ा सा ज्ञान उसको हो रहा है तो इस तरह से ऐंठ के पढ़ा रहा है जिसे लग रहा है धरती पर वही एकमात्र ज्ञानी है। ईर्ष्या हो जाना, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान तुर्रम खां समझ लेना भी संस्कृत के डिकेट का, उसके पतन का, धीरे धीरे कमी होने का एक महत्वपूर्ण कारण है, इसको जानते रहिएगा। चलिए, तो 10 प्राचीनतम विधियों पर हमने चर्चा कर ली है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आपको बताएंगे, लगातार देखते रहिएगा वीडियो। अब हम आते हैं, तो पहली हमने बताया था कि ए नंबर पर है पाठशाला विधि। पाठशाला विधि जिसे हमने गुरुकुल विधि के रूप में ही बताया। गुरुकुल विधि के बाद जो बी नंबर या का या खा भी कर सकते हैं, कहेंगे कहें के लिए जो है संस्कृत में इंग्लिश को एंट्री करा रहे, इसीलिए करा रहे कि आप लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव लगती है इंग्लिश, ठीक है। चलिए, तो भंडारकर, भंडारकर कौन है इसको भी जानिए। भंडारकर विधि क्यों कहा जाता है और भंडारकर ने जो विधि दिया उस विधि को कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। चलिए, व्याकरण अनुवाद विधि। तो भंडारकर महोदय कौन है? भंडारकर महोदय का पूरा नाम है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। पूरा नाम है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। बाद में भंडारकर है, और देखिए इतने नाम है रामकृष्ण गोपाल की लगी रहा कि हाँ भंडार है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो भंडारकर नाम उचित हो गया। चलिए, भंडारकर जी ने व्याकरण अनुवाद विधि को शिक्षण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना कि शिक्षण विधियों में ये महत्वपूर्ण है। तो कब से ये भंडारकर विधि का प्रयोग, तो ये तो प्राचीन काल की भाषा है, कब ये भंडारकर विधि का प्रयोग शुरू किया गया? तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो ब्रिटेन से आने वाले विधि आयोग का प्रमुख था 1835 में, जब भारत में शिक्षा के लिए, पाश्चात्य शिक्षा के लिए यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए, जब लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में शिक्षा का निस्यंदन का सिद्धांत दिया गया, जिसे आप लोग शिक्षा का इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं
या शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत कहते हैं, कई नाम से जाने जाते हैं। टेंशन मत पड़िएगा कौन कौन से, शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत, शिक्षा का निश्चंदन सिद्धांत, इन्फिल्ट्रेशन थियोरी ऑफ एजुकेशन। लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और किस टाइप के अंग्रेज, तो क्लर्क टाइप के अंग्रेज, विद्वान नहीं, क्लर्क टाइप के अंग्रेज। क्लर्क टाइप के अंग्रेज कहने से मतलब क्या है, बस काम चलाऊं, इंग्लिश बोल लें, क्योंकि हमें अधिकारी और बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए इन भारतीयों का। हमें भारतीयों को विद्वान नहीं बनाना है, इन्हें लेबर बनाना है, और ऐसे लेबर बनाना है जो हमारी बात को समझ सकें, सुन सकें, बस इतनी सी बात। अगर उसका ज़्यादा मीनिंग निकाल लेंगे तब तो ये जान पाएंगे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए बस जितना हम आज्ञा देते हैं, जितना हम ऑर्डर रिलीज करते हैं, कम से कम उसको कुछ भारतीय समझ पाएं, बाकी डिटेल आप जानते होंगे। तो 1835 के बाद भारत में संस्कृत शिक्षण में भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसके लाभ और हानि क्या हैं, पहले जाने इस विधि में होता क्या था, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता था भाई। तो व्याकरण अनुवाद नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो भी हिंदी के वाक्य होंगे या किसी क्षेत्रीय भाषा के वाक्य होंगे, उन्हें संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाएगा, बदला जाएगा, और जो संस्कृत के वाक्य होंगे उनको सहज और सरल बनाने के लिए, भाई या तो इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाने का प्रयास करें। तो इसे साधारण भाषा में ट्रांसलेशन मेथड भी कह सकते हैं कि व्याकरण अनुवाद का मतलब है। लेकिन व्याकरण जो जाने से है कि कुछ मात्रा व्याकरण के अध्यापन की भी होगी, कुछ मात्रा व्याकरण के अध्यापन की होगी, जिससे कुछ मात्रा में लोग आज तक यही मॉड्यूल काम कर रहा है, मुझे तो पूरी तरह लगता है, देखने से भी लगता है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो हाई स्कूल इंटर तक यूपी बोर्ड में संस्कृत दिग्दर्शिका, संस्कृत परिचायिका नामक पुस्तक चलती है, फिर भी जब ऑफलाइन पढ़ाने हम लोगों ने क्लास में ये परीक्षण किया, खासकर हमने जब परीक्षण किया, लोगों से पूछा संस्कृत कब तक पढ़े हो, सब लोग संस्कृत तो पढ़े हैं, तुरंत कई लोगों का उत्तर आता है नहीं हम तो नहीं पढ़े हैं, अच्छा कब छोड़ा, तो कुछ कह रहे हैं आठवीं में छोड़ दिए, कुछ कह रहे हैं कभी पढ़े ही नहीं। अब इतना बड़ा झूठ बोलने वाला है, स्टूडेंट बहुत रेयर मिलता है जो कहते कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। अगर यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उसका मुकाबला, उसकी पहचान संस्कृत भाषा, उसके ज्ञान, उसके श्लोक, उसके कुछ व्याकरणी तरीकों से हुई हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को व्याकरण अनुवाद विधि में क्या था ये समझ में आ गया होगा। अब इसके लाभ और हानि क्या हुए या इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य वही सिंपल था, ये चाहते थे कि संस्कृत, अब सोचिए कभी लॉर्ड मैकाले तो नहीं चाहेंगे कि संस्कृत आगे बढ़े, लेकिन डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर तो चाहेंगे कि संस्कृत आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया, सरल और सहज तरीके से संस्कृत के शिक्षण को आगे बढ़ाया। इसका उद्देश्य क्या हुआ, सहज और सरल तरीके से संस्कृत के शिक्षण को आगे बढ़ाया। जब भी आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि व्याकरण या भंडारकर विधि का उद्देश्य क्या है, तो संस्कृत शिक्षण को सहज और सरल बनाना, और अगर व्याकरण के केवल उद्देश्य पूछे जाएं तो आप बताएंगे शब्दार्थ और शब्दकोश का ज्ञान कराना। तो चलिए, हमने आपको अब तक पिछले वीडियो और इस वीडियो में आप लोगों को पाठशाला विधि और भंडारकर विधि, जो प्राचीनतम विधि के भाग हैं, जब भी आपसे पूछा जाए प्राचीनतम विधियों को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, एक पाठशाला या गुरुकुल पद्धति, दूसरा भंडारकर, या साथ में आप लोगों ने जाना था भंडारकर को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरी विधि पर। अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा। दूसरी विधि दी गई है नवीन विधि, यानी कि ये एक न्यू मेथड ऑफ लर्निंग है या न्यू मेथड ऑफ
टीचिंग है, टीचिंग कहना ज़्यादा उचित होगा, आपके लिए लर्निंग होगा, हमारे लिए टीचिंग होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दोनों ही आवश्यक हैं, जितना श्रोता है वक्ता है, बिना दो के आदान प्रदान होगा नहीं। हालांकि इन सब विषयों पर अभी हम आएंगे, जहां पे आपका बड़ा ध्यान लगता है पेडागॉजी सेक्शन में, क्योंकि आप लोग दो चार बिंदुओं पर ज़्यादा खुश रहते हैं, कहां कहां पर अधिगम, अर्जन, मूल्यांकन, उपचार, ग्रहणशीलता, इन सभी बिंदुओं, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा, तो इन सब पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। ये सब पे भी आएंगे, शुद्धता अशुद्धता मात्राएँ विविधता, इन सब पे भी आएंगे। अभी पहले हम विधियों को क्लियर करते हैं। तो नवीन विधि, और आपको यहाँ नवीनतम उपागम दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि ये आज, ये करंट का मैटर, आज क्या हो रहा है, प्राचीन काल में क्या होता था और आज क्या हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब 1835 का मैटर प्राचीनतम विधि में शामिल कर लिया गया, तो यानी कि जो नवीन विधि का मैटर होगा ये 1835 के बाद का ही मैटर है। तो कौन कौन सी विधियां थी आपके सामने एक बार पढ़ देते हैं। पहला पाठ्य पुस्तक विधि, दूसरा प्रत्यक्ष विधि, तीसरा विश्लेषणात्मक विधि, चौथा व्याख्या विधि। ध्यान से देखिए, व्याख्या विधि प्राचीनतम विधि में भी आया था, इसलिए कभी भी जब प्राचीनतम विधि पूछेगा कि इनमें से कौन प्राचीनतम विधि नहीं है, तो उसमें व्याख्या विधि ऑप्शन नहीं होगा। कारण, क्योंकि व्याख्या नवीन और प्राचीनतम दोनों में शामिल है, हो सकता है अभी आपको नवीनतम उपागम में भी मिले। तो आगे भी अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको दिखाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। व्याकरण विधि, हर्बर्टीय पंचविधि प्रणाली, बहुत से लोग जानते होंगे, जो पांच बिंदुओं पर हर्बर्ट ने फोकस करके बताया हुआ है, और मूल्यांकन का मेथड, तो इन पांच चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पाठ्य पुस्तक विधि क्या है। देखिए, ध्यान समझिए, हमें और कुछ पढ़ना हो, हमें मैथ्स पढ़ना हो, हमें पर्यावरण पढ़ना हो, हमें भाषा के अतिरिक्त कोई भी तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना हो, आप जब पांचवी तक पढ़ रहे थे, याद करिए जब जूनियर तक पढ़ रहे थे, जब आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक पढ़ रहे थे, चाहे आप एकेडमिक बीए बीएससी बीकॉम में थे, तो बीएससी बीकॉम की तो बात छोड़ दीजिए, बीए वाले यदि भाषा पढ़े होंगे, अगर बीए में या एमए में वो भाषा हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू फारसी जो भी इच्छा हो, अगर कोई भाषा पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि उनको पाठ्य पुस्तक लेकर ही जाना पड़ता रहा होगा, अन्यथा वो दूसरे की पाठ्य पुस्तक में देखते रहेंगे। भाई ठीक है, अगर जुगाड़ बढ़िया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते रहिएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भाषा के स्टूडेंट होते थे उन्हें पाठ्य पुस्तक लेकर जाना होता था। तो यहाँ हालांकि उससे विशेष महत्व नहीं है, विशेष महत्व है कि पाठ्य पुस्तक विधि का शिक्षण विधियों में क्या महत्व है और नवीन विधि में इसे क्यों शामिल किया गया। इसीलिए शामिल किया गया कि भाषा के ज्ञान के लिए, भाषा के उपयोग के लिए, भाषा के उद्देश्य को और मजबूत बनाने के लिए, उसके उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए, उन्हें सब तक पहुंचाने के लिए पाठ्य पुस्तक विधि। अब पाठ्य पुस्तक विधि अर्थात सभी स्टूडेंट पाठ्य पुस्तक अपनी लेकर आएंगे, और पाठ्य पुस्तक से शिक्षण कैसा किया जाएगा, तो पाठ्य पुस्तक से शिक्षण उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से पाठ्य पुस्तक का लेखन होगा। जैसे पाठ्य पुस्तक में गद्यांश या पद्यांश में लेखन हो सकता है, भाई या तो गद्यांश लिखा गया होगा या तो पद्यांश लिखा गया होगा। आप पाठ्य पुस्तकों को देखिएगा, आजकल की जो पहली से पांचवीं या छठवीं से आठवीं यानी कि प्राथमिक जो और जूनियर की जो पाठ्य पुस्तकें होंगी, उसमें गद्यांश या पद्यांश होगा, साथ में कुछ शब्दकोश होगा, मतलब कुछ कठिन शब्द दिए गए होंगे, कुछ वाक्य प्रयोग दिया गया होगा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया होगा। यानी कि पुस्तक की रचना किस प्रकार की जाए कि बच्चों को शिक्षण में रुचि मिले और अधिक से अधिक उनकी बुद्धि का विकास हो, आसानी से पुस्तक को समझ जाएं।
विषय वस्तु को आसानी से समझने का प्रयास करें। तो पाठ्य पुस्तक विधि पर मुख्य फोकस दिया था डॉक्टर वेस्ट ने। डॉक्टर वेस्ट, ध्यान से देख लीजिए, जो नैना देख रहा हो फिर से लिख दे रहे हैं, डॉक्टर वेस्ट ने सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक विधि को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि के रूप में व्याख्या दिया, उसे पहचाना, कहा कि पाठ्य पुस्तक जिस प्रकार से लिखी जाएगी, जितनी सरलतम तरीके से होगी, भाषा की पाठ्य पुस्तक जिसमें शब्दकोश अर्थात शब्द और अर्थ अलग से लिखे हों, कठिन शब्दों पर चर्चा की गई हो, उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया हो, इस तरह से भाषा का विनिमय, भाषा का प्रसार, भाषा की समझ तेजी से आगे बढ़ती है। तो पाठ्य पुस्तक विधि का भाषा में विशेष महत्व है, भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इसका विशेष महत्व जानते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पाठ्य पुस्तक विधि यानी कि पाठ्य पुस्तकों की रचना किस प्रकार से हो, उसमें उसका लेखन किस प्रकार किया गया हो और बच्चों को कितनी आसानी समझ में आए, इसके बारे में कुछ समझ विकसित हुई होगी। अब आते हैं अगला, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप जानते ही हैं, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी में, तो भाई क्या संस्कृत है तो संस्कृत में शुरू किया जाए, संस्कृत में। बताइए अगर संस्कृत में बोल दें तो आज कितने प्रसिद्ध भारतीय इस बात को समझ पाएंगे कि इस क्लास को पढ़ना चाहिए। हम जानते हैं संस्कृत का चयन इसलिए किया है कि 30 में 30 अंक ले आएंगे, क्योंकि संस्कृत में नंबर उसी प्रकार से आते हैं जैसे मैथ्स में आते हैं, पूरे के पूरे सही किया पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ पूछना नहीं है। तो डायरेक्ट का मतलब है कि भाषा का जो अध्ययन कराया जाए, भाषा का जो शिक्षण किया जाए वह उसी भाषा में किया जाए जिस भाषा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि शब्दकोश परिचय, शब्दार्थ परिचय और अनेक प्रकार के व्याकरण के परिचय साथ साथ होते रहते हैं। लेकिन आप सोचिए, प्रत्यक्ष मेथड आज भी उपयोग में नहीं लिया जाता, खास करके संस्कृत में। तो हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, तो प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य, देखिए जो प्रश्न बनते हैं उन पर तुरंत फोकस किया करिए, उद्देश्य क्या है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य है भाषा का माध्यम उसी भाषा का होना, भाषा का माध्यम उसी भाषा को होना। हिंदी है तो हिंदी में ठीक चल जाएगा, इंग्लिश है इंग्लिश में चल जाएगा, हालांकि इंग्लिश वाले इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, ये भी कई बार देखने को मिलता है, संस्कृत वाले संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं। तो उद्देश्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों से, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्यक्ष विधि उपादेयता, रिलेवेंस, उपादेयता है कि नहीं। तो उपादेयता के बारे में थोड़ा सा जो है एक विश्लेषण मूलक क्वेश्चन हो गया कि आज क्या इसका कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन यदि उपादेयता के बारे में पूछें तो आपका जवाब सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि उपादेयता है, प्रत्यक्ष विधि का उपादेयता है, क्योंकि भाषाई क्रम में जिस भाषा में ज्ञान दिया जाता है तो कुछ न कुछ मात्रा में लाभ निश्चित रूप से होता है। तो प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य भाषा को उसी भाषा में पढ़ाना, उसी भाषा में शिक्षण करना, साथ ही उसके उद्देश्यों को और विकसित करना, साथ ही शब्दकोश का ज्ञान कराना, साथ ही अर्थ का ज्ञान कराना, साथ ही उससे संबंधित व्याकरण का भी ज्ञान कराना। अच्छा, इससे क्या होगा कि बच्चों की बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का विकास, क्योंकि जब वो संस्कृत को संस्कृत में सुनेंगे, हिंदी को हिंदी में सुनेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में ही सुनेंगे, तो लगातार उनकी कनेक्टिविटी यानी कि भाषाई परिवर्तन करने में आसानी होगी, तो बुद्धि का विकास भी लगातार होता रहेगा। चलिए विश्लेषणात्मक विधि को देखते हैं। विश्लेषणात्मक विधि से क्या, विश्लेषण का मतलब ये होता है कि पार्ट वाइज, जिसे आप कहते हैं खंड वाइज, खंडवार, खंड खंड में बांट के,
पार्ट वाइज किसी भी दिए गए विषय वस्तु को पढ़ लेना ही या जान लेना ही, उसकी समझ को विकसित कर लेना ही, यह है नवीन विधि के विश्लेषणात्मक विधि का उद्देश्य है। और विश्लेषण विधि से क्या होता है, विश्लेषण विधि से बच्चों में तर्क की क्षमता का विकास होता है। किसका विकास होता है, तर्क की क्षमता का विकास होता है। तो इस तरह से पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि और विश्लेषणात्मक विधि, इसके अतिरिक्त एक अन्य और वीडियो प्रदान करेंगे जिसमें हम आप लोगों को पूरा भाषा शिक्षण विधियों को समाप्त कर देंगे पढ़ाकर। तो हमने पिछले वीडियो और इस वीडियो में ज़्यादातर प्राचीनतम और नवीन विधियों को कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से इसका लाभ उठाएंगे। कहीं समस्या होती है तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम लोग कमेंट्स को देखते रहते हैं लगातार। तो बने रहिए लगातार माँ अकेडमी लखनऊ के साथ, और सीटेट 2020 का टारगेट आपके सामने है, उसे अचीव करने में पूरा ताकत लगा लीजिए। धन्यवाद।